अगर आप सल्फर सल्फर की मात्रा मतलब आप गर्म खाना खाएंगे तेल मसाला ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो ये हाइपोथेलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है सात सेकंड में हो जाता है सात आठ सेकंड में आपका हाइपोथेलेमस एक्टिव हो जाता है लड़कों में यही होता है तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू सात सेकंड तक देख लेंगे ना इसे अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे बस ये ससुरा एक्टिव हो जाएगा अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है अच्छी है कि खराब इससे बहस नहीं है बस अब हो जाएगा अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे वाह वाह इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथेलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए

हमारे सर कहा करते थे ये गो को सात सेकंड्स देखने से अच्छा है दो दो सेकेंड करके तीन गो को देख लो है कि नहीं है हो ये देखियो लोगे नयन सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है इतिहास गवाह है चाहे आप लला मजनू को उठाइए हीर रांझा को उठाइए सोनी महिवाल को उठाइए या फिर आप दजला फरात को उठा लीजिए उधर एगो यूरोप में थे सब कौन सा रोमियो जूलियट सब बर्बाद हुआ सर अरे सच्चा प्रेम तो कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ तो हम मानो किस डेक्ची के मसाला हैं दो भगवान थे कृष्ण भगवान उन्हों को राधे से ना प्रेम था उनका रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश से आई थी उत्तर प्रदेश में बिया हो गए जिसको चीन कहता है मेरा है अरुणाचल प्रदेश किस भगवान का ससुरार है हुआ अ चिन्हुआ कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर की रहने वाली थी रुकमणि यूपी में कोई उनसे ब्याह नहीं कर रहा था सबको पता था इनका कौन कौन कांड किए हैं समझाएगी है नया इसलिए प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ेगा किसी को कंटिन्यू मत देखेगा देखबे नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे अब मैं को सुने कब प्रेम हुआ है नहीं हुआ है वो में नहीं कर रहा है आगे कटरीना का खड़िएगी लता मंगेशकर आखिया जब देख लेता है कि औरी ससुरी कितना सुंदर है रे और लड़कियां सुंदर जान के बनती हैं सर पूरा बाल झाड़ लेंगी सर एगो ऐसे निकाल लेगी सर ऐसे कोई देखेगा तो ऐसे करके चल देगी सर ले ससुरा उसका हाइपोथेलेमस एक्टिव हो गया तो ये प्रेम जो होता है घृणा होता है ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है आइपोथेलेमस नियंत्रित करता है इसलिए लहसुन प्याज गर्म मसाला सब चीज कम कर दीजिएगा ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और